हेलो एवरीवन गाइस, आप सभी लोग को वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल। मैं चेतन बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। आज सुबह क्या हुआ, मैं उठा और मैंने देखा कि 7 तारीख आ चुकी है, यानी कि मकर संक्रांति को सिर्फ बचे हुए एक वीक। तो मैंने अभी तक ना ही मंजा लिया ना ही पतंग लिए, तो कैसे होगा। और नागपुर में कोरोना की हालत थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, इसकी वजह से स्कूल कॉलेज तो बंद हो चुके हैं। तो अभी लॉकडाउन लगने से पहले अपन को मंजा पतंग तो लाना पड़ेगा ही। तो अभी वो देखते हैं, एक दो दिन मिलाएंगे। लेकिन अभी आपको दिखाते हैं हमारी ऑरेंज सिटी है, लेकिन नागपुर का फेस्टिवल काइट, जो कि अभी तो 14 को है, लेकिन हमारे नागपुर में तो बहुत पहले से ही चालू हो जाती है। तो अभी चलते हैं टेरेस पर, अब देखते हैं। गाइस, अभी मैंने एक पतंग पकड़ी और बहुत दिनों के बाद मैंने सादे मंजे में पतंग पकड़ी है, यानी कि नायलॉन मंजे से नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है सारे लोग नायलॉन मंजे से ही पतंग उड़ाते हैं, लेकिन जो सादा मंजा है वो भी उड़ाना चाहिए। इस साल तो बहुत बैन है, लेकिन अच्छा है कि सादे मंजे से उड़ाना। तो हम भी सादे मंजे से उड़ाएंगे इस बार और देखते हैं अभी पतंग उड़ाना। तो गाइस, अभी मैं पतंग उड़ाने जाने वाला हूँ। और ये पतंग, इसको यहाँ पे नागोबा पतंग बोलते हैं, कि इसकी शिफ्टी होती है, शिफ्टी यानी पूछ होती है। और अभी इसको चिपकाना है और इसके बाद उड़ाएंगे इसको, वो भी सादे मंजे में। अभी जो पतंग थी वो तो पेड़ में लटक चुकी थी, इसलिए इसका ऑपरेशन करना पड़ रहा है। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप भी नायलॉन मंजे का इस्तेमाल ना करते हुए अपने सादे मंजे का यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे पर्यावरण को भी हानि नहीं होती और किसी को कोई मतलब घाव भी नहीं रहता। पंछियों को जैसे पेड़ में लटक जाता है मंजा, वैसा कुछ होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि नायलॉन मंजा जो होता है वो टूटता ही नहीं है, लेकिन अब जो सादा मंजा होता है वो टूट जाता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि नायलॉन मंजा यूज़ मत कीजिए, सारे मंजे से उठते हैं। तो ठीक है, अभी फिर से चिपकाना हो गया और उड़ाते हैं। इसके बाद हमारी पतंग कट चुकी थी, इसलिए मंजा तो लपेटना पड़ेगा, और मैंने आज एक भी पतंग नहीं काटी। तो गाइस, अभी हमारी पतंग तो कट चुकी है, क्योंकि हमारा मंजा ऐसे गठान वाला था, क्या करते नया मंजा लेने का ही। और अगला वीडियो आने वाला है, मतलब हम मांजा खरीदने ही जाने वाले हैं, मांजा और पतंग, तो उसी का अगला वीडियो आना है। तो तब तक के लिए बने रहिए। और अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसी पतंग उड़ती है अभी भी, मतलब अभी संक्रांत तो आने की है, लेकिन पतंग उड़ना बहुत महीने पहले से ही चालू हो गया। तो गाइस, देख ही सकते हैं आप, पीछे में सनसेट हो रहा है और यहाँ पे ऊपर में ये पतंग, इधर में भी पतंग, ऊपर में भी पतंग, इधर साइड में भी पतंग, लेकिन हमारी पतंग तो कट चुकी है। और इधर साइड में भी पतंग, हमारे एरिया में बहुत पतंग उड़ती है। और हमारे ऑरेंज सिटी में यानी नागपुर में संक्रांत में तो बहुत सारे पतंग उड़ती है, आपको ये दिखाऊंगा। पूरे का पूरा आसमान पतंग से ही छाया रहता है और नए नए मंजे, और लोग मस्त खींच के काट रहे, ढील देके काटते हैं। तो हम भी काटेंगे, मंजा लेंगे, पतंग उड़ाएंगे, लेकिन बीच सेफ और नायलॉन मंजे का यूज़ बिल्कुल ना कीजिए। तो अभी देखते कितनी पतंग छपड़ती है, एक छपड़ी थी वो भी कट चुकी है, कुछ नहीं होता, चलते रहता है। लेकिन जब नया मंजा लेंगे तो उसमें बहुत सारे पतंग काटने वाले हैं। और अब मकर संक्रांति तो हमारा फेवरेट है, क्योंकि काइट उड़ाने में बहुत मज़ा आती है।